हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत दिन हो गए हैं, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज नहीं चलाया मैंने, तो वर्ड ऑफ द डे का सीरीज चालू होता है फिर से। तो आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसको हम कहते हैं बंगल अप। अब ये बंगल अप क्या होता है? बंगल अप का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को गड़बड़ कर देते हैं। अब गड़बड़ कैसे कर देते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि यार इस घर को पेंट कर दो, तो अगर आप पेंट करेंगे तो कम से कम पेंट सही ढंग से होना चाहिए। अब आप सोचिए कि गड़बड़ वाला पेंट कैसा होता होगा। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अरे यार क्या कर दिया, अनाड़ी जैसा आपने काम किया, आपने उस चीज को गड़बड़ कर दिया, तब आप वहां पर कह सकते हैं कि बंगल अप, यू हैव जस्ट बंगल्ड इट अप। बहुत ही बेहतरीन ये फ्रेजल वर्ब है गाइस। अब देखिए, अगर सिनोनिम की बात करें, अगर हम बंगल अप की सिनोनिम की बात करें, तो इसका मतलब होता है मेस अप, यू नो, मेस कर दिया सब कुछ, या कह सकते हैं कि यू मेड अ मेस ऑफ इट, यू हैव स्पॉइल्ड इट, यू हैव रुइंड इट। बहुत सारे आप सिनोनिम निकाल सकते हैं इसके। तो अगर अंग्रेजों के हिसाब से हम बंगल अप को देखें, तो साफ लिखा है कि इफ यू बंगल समथिंग यू फेल टू डू इट प्रॉपरली। आप कोई भी काम आपको मिला है काम करने के लिए, आप उसको अगर बंगल कर देते हैं, यानी कि आप उसको सही से नहीं कर पाते, प्रॉपरली करने में फेल हो जाते, चाहे कोई काम हो। मैंने आपको बोला कि जरा ये कुछ डायलॉग्स लिख दो, कोई स्क्रिप्ट लिख दो, या किसी भी काम को आप ये कर दो, आलू छील दो, जो आपने ऐसा छीला कि अरे यार क्या कर दे, सब खराब कर दिया, अनाड़ी जैसा काम। बिकॉज यू मेक मिस्टेक्स और आर क्लम्जी, या तो आप क्लम्जी हो, करते हैं ना, हो नहीं रहा है, या आप मिस्टेक्स करते हो। टू डू समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत कर दिया, आपने बंगल अप कर दिया, अ केयरलेस और स्टूपिड वे में कर दिया। टू जंबल अप और रूइन समथिंग, सब इधर उधर कर दिया, जंबल कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी कि कुल मिला करके मेस कर दिया सब कुछ। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। You really bungled up this report. I am not sure I can even fix it. अब कोई रिपोर्ट है, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा, हम कह रहे कि क्या यार तूने इस रिपोर्ट को तो यार बिल्कुल गड़बड़ कर दिया यार, मैं इसको अब फिक्स भी नहीं कर सकता, उसको सही भी नहीं कर सकता यार। ये होता है बंगल गाइस। ओके, आई आस्क्ड यू टू पेंट द रूम बट यू हैव जस्ट बंगल्ड इट अप। यार मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजे को पेंट कर दो, तुमने क्या कर दिया यार, सब गड़बड़ कर दिया, पता नहीं मैं क्या करूंगा यार, क्यों मैंने तुझसे कहा। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, तब आप बंगल का इस्तेमाल करेंगे। माई बॉस विल फायर मी इफ आई बंगल दिस प्रोजेक्ट। आप बिना आपके भी बंगल बोल सकते हैं कि यार अगर मैंने इस प्रोजेक्ट का कवाड़ा कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया, तो भैया मेरा बॉस मुझे निकाल देगा। ओके, दोज ऑफिसर्स हैव बंगल दिस केस अप। अब कोई केस मिला था कि भाई ये ऑफिसर्स हैं, ये इस केस को सॉल्व करेंगे, सब इधर से उधर कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, सब बंगल अप कर दिया, गड़बड़ करके रख दिया, अनाड़ी जैसा काम किया है। If the soldiers bungle their mission, अगर वो अपने मिशन को गड़बड़ कर दे, hundreds of thousands of people will die, ना जाने सैकड़ों हजारों लोग मर जाएंगे। तो आप समझ गए बंगल अप। तो अब जब आप किसी को कोई काम दे, तो आप कह सकते कि hey, please don't bungle it up, इसका भैया कुछ कवाड़ा मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।